नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। और कुवैत का अपडेट बहुत बड़ा है यार कि कुवैत सरकार ने, देखिए बता दूं, 2014 से लेके 2018 जी दौरान पाकिस्तानी 5000 पाकिस्तानी कुवैत में घुस गए। अब कैसे घुस गए सोचने की बात है। 2011 से लेके 2014 तक तो वीजा बिल्कुल बैन कर दिए गए थे पाकिस्तान के लिए, आप सबको लोगों को पता ही है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी लोग सेटिंग से, दलालों के माध्यम से, फर्जीवाड़े से 5000 लोग अपने फिफ्थ फैमिली सहित कुवैत में घुस गए। जी हाँ, इसका अभी खुलासा हुआ है 2020 में। दोस्तों साथियों कि कुवैत ने 2011 से 5 देशों पे बैन लगा दिया था, बहुत सख्त वीजा नियम कर दिए थे, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया और इराक, जी हाँ, इन देशों के लोग कुवैत में नहीं आ सकते थे, यानी न आने के बराबर थे, ये समझ सकते हैं। जितना अमेरिका में जाना इजी था, उससे हार्ड कुवैत में आना इजी था। उसके बावजूद 5000 पाकिस्तानी विथ फैमिली कैसे घुस गए कुवैत में। उन्होंने क्या किया कि सेटिंग करी 2 नंबर के काम से, अधिकारियों से, एजेंट, आपको पता है एजेंट क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। एजेंटों की सेटिंग बड़ी होती है सरकारी दफ्तरों में, चाहे आप इंडिया में देख लो, चाहे आप कोई भी कंट्री देख लो, तो भाई घुस तो सब जगह चलती है, चाहे आप कुवैत हो, ठीक है, वहाँ पे नियम सख्त हैं, कानून बड़े स्टिक हैं, मॉडर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। इंडिया में अगर 20% है तो वहाँ पे 5% हो जाता है, लेकिन है तो सही, नो डाउट। अगर नहीं होता तो 5000 पाकिस्तानी कुवैत में कैसे घुस गए, सोचने की बात है ना ये। अब बता दूं, ये दलालों के माध्यम से वीजा की रेट भी निर्धारित कर रखी है। देखिए मैं बता दूं आपको, देश के हिसाब से है 800 कुवैत दिनार के हिसाब से, बता दूं 2500 दिनार तक का खर्चा आता है। जी हाँ साथियों, मिस्र का अगर कोई आदमी कुवैत का वीजा लेता है तो 1200 दिनार से लेके 1500 दिनार तक का खर्चा है। अगर बांग्लादेशी, जी हाँ, बांग्लादेशी का अगर खर्चा बात करें, कोई मजदूर वीजा लेता है तो 800 दिनार से लेके 1200 दिनार तक का खर्चा आता है। पैसे के अनुसार जो आदमी जैसा होता है उसी के अनुसार उसको सेटिंग से अंदर घुसा दिया जाता है कुवैत में। सबसे ज्यादा सीरिया की वीजा है, जी हाँ साथियों, सीरिया का आदमी अगर कोई कुवैत में आता है तो उसका बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, 1000 दिनार से लेके 2500 दिनार तक का उसका खर्चा आ जाता है। जी हाँ, इराकियों को मैं बता दूं, इराकी आदमी कुवैत में घुसना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन फिर भी वो लोग भी घुस गए सेटिंग से। 1000 इराकी लोग सेटिंग से 2 नंबर से कुवैत में घुस चुके हैं। जी हाँ, ये 2014 से लेके 2018 के बीच में घुसे हैं 4 साल के अंदर, जी हाँ, रिश्वत देके सेटिंग करके। तो आपने देखा साथियों, इस तरह से पाकिस्तान पे बैन है, बांग्लादेशी, इराकी, अफगानी, सीरियाई, इन लोगों पे बैन है, फिर भी ये लोग 2 नंबर से कुवैत में घुस रहे हैं। और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी घुसे हैं, आने वाले 4 सालों में 5000 पाकिस्तानी घुस चुके हैं। इनको कुवैत इजाजत नहीं देता इनको आने के लिए, हालांकि पहले थी, लेकिन इनके व्यवहार सही नहीं होने की वजह से कुवैत ने बैन लगा दिया था। जी हाँ, तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।